दोस्तों फोल्डेबल स्पेस में इनोवेट करने के बजाय अब ऐसी भावना आ रही है कि सैमसंग जो है वो अब कैचअप प्ले कर रहा है बाकी लोगों के साथ, और सैमसंग के गैलेक्सी Z Flip 5 के साथ ये वाली भावना थोड़ी और उमड़ के सामने आती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, एकदम ही डिटेल में देखेंगे कि सैमसंग के गैलेक्सी Z Flip 5 में क्या क्या है। अब भाई इस साल मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा के अनएक्सपेक्टेड लॉन्च के बाद ये वाली जो भावना है कि सैमसंग कैचअप प्ले कर रहा है, ये हमारी और सॉलिडिफाई हो गई। अब रेजर 40 अल्ट्रा की तरह ही सैमसंग जो है उनका अपना खुद का बड़ा कवर डिस्प्ले है जो कि एक बड़े अपग्रेड के तौर पे फील होता है पिछले मॉडल के मुकाबले। पर यार बड़ा कवर डिस्प्ले होना है सिर्फ आधी जंग जीतने वाली बात है अगर उसमें एक बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उसके साथ में ना हो तो। और इसी प्रश्न का जवाब देने हम आए हैं आज के अपनी सुंदर सी वीडियो में। तो दोस्तों जो सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 5 है ये उपलब्ध है दो वेरिएंट्स में। जो बेस वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, और इसकी प्राइसिंग है भारत में 99,999 रुपए। जो दूसरा वेरिएंट है वो 512GB स्टोरेज के साथ आता है और उपलब्ध है 1,09,999 रुपए पर। जो फोन का ओवरऑल डिजाइन है वो काफी तक सिमिलर लगता है पुराने गैलेक्सी Z Flip 4 जैसा ही। यहाँ पर एक नया हिंज है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शॉक्स को अच्छे से विदस्टैंड कर लेगा, और ये अलाउ करता है कि दोनों हाफ जो है ना इस फोल्डेबल के वो एकदम फ्लैट सिट करे एक दूसरे के अगेंस्ट पे और कोई विजिबल गैप यहाँ पे ना हो। अब जो ब्लैक ग्लास है ना जो कि आउटर डिस्प्ले को कवर कर रहा है उसको भी बढ़ा दिया गया है और अब वो पूरा ही हाफ जो पोर्शन है उसको ले लेता है। तो फोन जो है वो एकदम ही स्टाइलिश स्लैब लगता है ब्लैक ग्लास का जब उसको फोल्ड किया जाए। पर जो नया फ्लेक्स विंडो डिस्प्ले है उसके नीचे छुपा हुआ, उसके अंदर एग्जैक्ट वही डायमेंशंस नहीं है और उसके आगे पीछे थिक से बॉर्डर दिखाई देते हैं जब हम उसको ऑन करते हैं तो, और स्पेशली बॉटम पे कैमरा कटआउट के पास ये चीज अलग से दिखाई देती है, तो ये अजीब सी ही इन्वर्टेड फोल्डर जैसी अपीयरेंस देती है इसको। नई हिंज के बावजूद सैमसंग जो है वो अपनी मेन डिस्प्ले में क्रीज को कम नहीं कर पाया है उतना ज्यादा। पहले की तरह ही जो अभी ग्रूव बनता है वो काफी हद तक प्रोमिनेंट है, और भैया वैसा नहीं है जैसा कि ओप्पो या मोटोरोला जैसे ब्रांड्स ने अपने वर्टिकल फोल्डेबल के साथ अचीव किया है। जो इनर डिस्प्ले है वो अभी भी बेस्ट इन क्लास है ड्यूरेबिलिटी के मामले में, और भाई हम इस बात से खुश है कि सैमसंग मैनेज कर पाया पिछले साल के मॉडल के IP68 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग को। अभी तक ज्यादातर जो फोल्डेबल्स भारत में लॉन्च हुए उनकी अपेक्षा में सैमसंग ने यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेसर इस्तेमाल किया है क्वालकॉम द्वारा स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म गैलेक्सी के लिए, जो कि एक ट्वीक्ड वर्जन है स्टैंडर्ड प्रोसेसर का। यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी एप्स चलाते वक्त या गेम्स खेलते वक्त, और जैसे ही कंपेयर किया जाए इसको कंपटीशन से या अगर हम इसे कंपेयर करें रेगुलर प्रीमियम फ्लैगशिप से तो पर भी बढ़िया चल रहा था। फोन जो है थोड़ा बहुत गर्म जरूर हो जाता है गेम्स खेलते वक्त और जब आप कैमरा को यूज कर रहे हो तब, पर इसकी वजह से ना ही परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था ना ही जो आप कार्य कर रहे हैं उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। जो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 है ये आता है One UI 5.1.1 के साथ जो कि बेस्ड है Android 13 पर। अब भाई इसमें यूजुअल सैमसंग UI है पर यहाँ पे साथ ही में नई फ्लेक्स विंडो फंक्शनैलिटी भी दे रखी है। फ्लेक्स विंडो का इस्तेमाल अगर आप करें यूजुअल नेविगेशन स्वाइप जेस्चर्स के साथ तो काफी हद तक बढ़िया लगता है। जो विडजेट बेस्ड इंटरफेस है वो वैसे ही चलता है जैसे कि गैलेक्सी Z Flip 4 का टाइनी कवर डिस्प्ले चलता है, और ये काफी हद तक बेसिक सा है अगर इसको हम कंपेयर करें कि भाई मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा पे जो चीजें संभव है उनके मुकाबले। सैमसंग ने एबिलिटी ऑफर करी है कि आप कुछ हैंडफुल सपोर्टेड एप्लीकेशन चला सके कवर डिस्प्ले पे, पर यार उसको इनेबल करना पड़ता है लैब्स में बीटा फीचर के तौर पर, और हमने काफी ज्यादा दिक्कतों को भी झेला जब हम नोटिफिकेशंस के साथ डील कर रहे थे तब। जो विजेट बेस्ड इंटरफेस है उसकी वजह से 3 प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं जब आप इंटरैक्ट कर रहे हो कवर डिस्प्ले के साथ। ये काफी हद तक कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है क्योंकि भैया इसमें अलग अलग लेवल की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है इस बात पे निर्भर करके कि वो जो ऐप है वो किस प्रकार का है और क्या वो ऐप सैमसंग द्वारा सपोर्टेड है कि नहीं है। अब भैया यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन आ रहे थे मैसेजिंग ऐप से जो कि दिखाते हैं पूरे मैसेज को विजेट बेस्ड इंटरफेस की मदद से, और आप उसको या तो डिसमिस कर सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं उसको नए कीबोर्ड का इस्तेमाल करके जो कि कवर डिस्प्ले पर ही दे रखा है। जो सेकंड टाइप होगा नोटिफिकेशन का वो एक ऐसे प्रकार का होगा जो कि हर एक अनसपोर्टेड ऐप के लिए आता है। उसमें सिर्फ थोड़ी सी ट्रंकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है एक साथ बंडल्ड अप कार्ड जैसे फॉर्मेट में, जिसके नीचे एक क्लियर बटन दे रखा होगा ताकि आप उस नोटिफिकेशन को डिसमिस कर सके। तीसरे प्रकार का नोटिफिकेशन ऐसा आता है जो कि सपोर्टेड ऐप्स के साथ आता है जिसमें से कुछ कुछ अलाउड होते हैं कवर डिस्प्ले पे चलने के लिए। अब भैया सुनने में काफी हद तक एक्साइटिंग और
मौज मस्ती भरा लगता है, पर ये काफी हद तक मतलब थका देने वाला एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको बार बार एप्स के बीच जंप इन और आउट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन एरिया से, जब आप ऐसी नोटिफिकेशंस के साथ डील कर रहे हो तो। और भाई आप फोर्स भी कर सकते हैं हर एक एप्लीकेशन को कवर डिस्प्ले पे चलने के लिए सैमसंग के गुड लॉक ऐप को इंस्टॉल करके, पर यार ये नोटिफिकेशन सिस्टम को और ज्यादा ही खत्म सा कर देता है, क्योंकि एप्स जो सही से ऑप्टिमाइज नहीं है ना, वो सही से स्केल नहीं कर पाता। यहाँ पर जो कैमरा हार्डवेयर है वो अनचेंज्ड है पिछले साल के गैलेक्सी Z Flip 4 के मुकाबले, जो कि उतना बुरा तो नहीं था। यहाँ पर एक 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है OIS के साथ, एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है, और एक 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो कि मेन फोल्डिंग डिस्प्ले के अंदर एम्बेडेड है। कैमरा परफॉर्मेंस भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव तो नहीं हुई है प्रीवियस मॉडल के मुकाबले। प्राइमरी कैमरा जो है वो शार्प फोटोज लेता है डेलाइट में, और टिपिकली उसमें सैचुरेटेड से रंग दिखाई देते हैं, जो कि हम अब तक आदि हो चुके हैं सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने के लिए। डिटेल्स जो है वो सफिशिएंट तो है पर थोड़े से कम है, और मतलब उस चीज से तो बहुत ही अलग है जो कि अगर सिमिलरली प्राइस अगर हम इसे गैलेक्सी S23 से कंपेयर करें तो वहां पे कैमरा ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। जो अल्ट्रावाइड कैमरा है वो कैप्चर करता है औसत फोटो डेलाइट में, पर ये जो इमेजेस थी इनमें रिजॉल्व डिटेल कम था, और स्पेशली शेडोज में तो डिटेल कम देखने को मिल रहा था। सेल्फीज जो हमने कैप्चर करी डेलाइट में वो शार्प और क्लियर आ रही थी बढ़िया एज डिटेक्शन के साथ पोर्ट्रेट मोड में, और जो प्राइमरी कैमरा है वो ज्यादा बेहतर काम करता है पर ज्यादा बेहतर डिटेल्स और डेफिनेशन के साथ। इसी वजह से हम आपको रिकमेंड करेंगे कि उसको आप इस्तेमाल करें सेल्फी कैमरा के बजाय, स्पेशली लो लाइट कंडीशंस में। लो लाइट में स्ट्रीट लिट सीन्स जो हैं उनमें औसत डिटेल देखने को मिलती है, और थोड़ा बहुत ओवर शार्पन्ड वो दिखाई देते हैं क्रश्ड ब्लैक्स के साथ शेडोज में। जो प्राइमरी कैमरा है भाई उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है फोकस करने में डिमली लिट सीन्स में, तो जो रिजल्टिंग फोटोज आती है वो भैया सॉफ्ट सी आती है, स्पेशली अगर आप नाइट मोड का प्रयोग कर रहे हो तो। जो 4K 30fps वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो औसत लग रही थी डिटेल के मामले में, डिसेंट कलर सैचुरेशन था पर अंडर एक्सपोज शेडोज थे। लो लाइट वीडियोस में नॉइज जो था वो नहीं था, पर उसी के कारण जो टेक्सचर्स थे वो फ्लैटेंड से या ब्लॉच से लग रहे थे। अब भाई जो सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 5 है ये ऑफर करता है वही 3700mAh बैटरी कैपेसिटी जैसा कि प्रीवियस मॉडल में था। ये फोन आराम से 16 घंटे 45 मिनट चल गया जब हम इसको वीडियो लूप बैटरी टेस्ट से गुजार रहे थे, पर डेली यूसेज में बेयरली चल पा रहा था एक पूरा दिन एक सिंगल चार्ज पे, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। इस फोन को आराम से 2 घंटे 14 मिनट लग गए 0 से 100% तक चार्ज होने में, जो कि काफी तक स्लो सा है। दोस्तों जो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 है ये मैनेज कर पाता है बेहतरीन इमेज और वीडियो कैपेबिलिटी अगर मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा से इसको कंपेयर करें, पर भाई हम चूज करेंगे जो ज्यादा अफोर्डेबल वाला रेजर वाला मॉडल है दोनों में से, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कवर डिस्प्ले एक्सपीरियंस है जो कि शायद से अभी टॉप ऑफ द लाइन है। और आपको ज्यादा बेहतर कैमरा और वीडियो एक्सपीरियंस चाहिए तो सैमसंग का गैलेक्सी S23 भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है इस प्राइस पॉइंट पे। तो दोस्तों इस रिव्यू के लिए इतना ही। आपको सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 5 कैसा लगा भाई हमें जरूर बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। मैं जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।